नमस्कार, मैं हूँ रामकरण पटेल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, जीपीसी जालौर। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड EE206। हम डीसी जनरेटर पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और कौन कौन से टाइप की होती है, ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो के लिए रेफ़र करें। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है? देखिए, जनरेटर की जो बेसिक क्वांटिटीज़ होती है, जैसे कि फील्ड करंट, आर्मेचर करंट, टर्मिनल वोल्टेज, जनरेटेड ईएमएफ एक्सेट्रा, इन क्वांटिटीज़ के बीच में से किसी भी दो क्वांटिटी को ले लिया जाता है, एक को चेंज करते हैं और इसको चेंज करने पर दूसरी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम रिकॉर्ड करते जाते हैं, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि उसका जो ग्राफ बनाया जाता है वही कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। तो आज हम बात करेंगे डीसी शंट जनरेटर की। सबसे पहले हम डीसी शंट जनरेटर को जो सर्किट डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये आर्मेचर है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये शंट फील्ड। यहाँ पर जो ईएमएफ पैदा होता है उसे आर्मेचर का ईएमएफ करंट, आर्मेचर की करंट, यहाँ पर जाने वाली करंट कहलाती है लोड करंट, यहाँ पर जाने वाली फील्ड करंट। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस फील्ड करंट को वेरी करने के काम आता है। ये फील्ड है जो कि फ्लक्स पैदा करता है, इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं आर शंट। अब देखिए, हमें यहाँ के करंट मेजर करनी है तो यहाँ पर एक एमीटर लगा देते हैं। ये यहाँ की करंट, लोड करंट को मेजर करने के लिए एक यहाँ पर भी एमीटर लगा देंगे, एमीटर टू, एमीटर वन। यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया। अब यहाँ पर एक स्विच लगा होता है, और यहाँ से हम लोड को कनेक्ट कर देते हैं। ये जो लोड है ये भी हम वेरिएबल लोड काम में लेते हैं, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे लोड वोल्टेज कहते हैं, इसे टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें हम जनरल कुछ इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ पर हम करंट की इक्वेशन देखते हैं कि आर्मेचर करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड करंट प्लस फील्ड करंट। जो जनरेटेड ईएमएफ है ये समानुपाती होता है स्पीड के और फ्लक्स के। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ईएमएफ हो जाएगा समानुपाती फ्लक्स के। यहाँ पर जो फ्लक्स होता है ये फ्लक्स फील्ड करंट के समानुपाती होता है। ये कुछ बेसिक रिलेशन हमने देखे। अब यहाँ पर हम जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं, जनरली हम तीन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखेंगे। पहले हम जो कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं उसका नाम है ओसीसी, यानी कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक के और भी कई सारे नाम हैं, जैसे कि मैग्नेटाइजेशन कर्व, नो लोड मैग्नेटाइजेशन कर्व, सैचुरेशन कर्व या नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किस किस के बीच में बनती है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक बनती है आर्मेचर के ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में। यानी कि अगर इसे हम ड्रॉ करें तो यहाँ पर फील्ड करंट आएगा और यहाँ आएगा आर्मेचर का ईएमएफ। ठीक है, यहाँ पर करना क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप फील्ड करंट को हम वेरी करते जाते हैं, और इसको जैसे ही वेरी करते हैं साथ ही साथ इसकी रीडिंग को नोट करते जाते हैं, और
इन दोनों के बीच में फिर हम ग्राफ बना देते हैं। तो सबसे पहले इस कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो है कि यहाँ पर ये नो लोड पर है, लोड नहीं है, यानी कि ये स्विच यहाँ पर स्विच है वो क्या हो रहेगा, ओपन रहेगा, कोई लोड नहीं है इसलिए करंट भी जीरो। तो इस केस में लोड करंट जीरो होती है। अब प्राइम मूवर की मदद से जनरेटर को चलाया जाता है और कांस्टेंट स्पीड पर, स्पीड इसकी कांस्टेंट रखी जाती है, यानी कि एन इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी। तो देखिए, इनिशियली जब फील्ड करंट जीरो है, यहाँ पर हम इस पॉइंट पर है जब हमारी फील्ड करंट जीरो है, यानी कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, फील्ड करंट जीरो है, फ्लक्स जीरो है, ये फ्लक्स जीरो है, तो ये आर्मेचर ईएमएफ भी जीरो होना चाहिए। लेकिन ये देखने को मिलता है कि आर्मेचर ईएमएफ जीरो नहीं है, कुछ ईएमएफ उस समय होता है। ये जो ईएमएफ होता है उसे कहते हैं रेजिडुअल ईएमएफ और रिप्रेजेंट किया जाता है ईआर से। ये ईएमएफ कहाँ से आया, ये सारी बातें मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। वापस देखते हैं कि आयरन की या मेटेलिक पार्ट की ये क्वालिटी होती है कि अगर उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कुछ समय के लिए रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व एब्जॉर्व कर लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर भी कुछ ईएमएफ, कुछ फ्लक्स उसके अंदर होता है। तो यहाँ पर इनिशियली हमने कोई सप्लाई नहीं दी, लेकिन जब जनरेटर को घुमाया तो वहाँ पर रेजिडुअल फ्लक्स के कारण कुछ फ्लक्स उसके अंदर था, और उस फ्लक्स के कारण ये ईएमएफ, रेजिडुअल ईएमएफ पैदा होता है, इसके कारण ये पैदा होता है। और ये जनरली 2 से 8 वोल्ट होता है, यानी कि जब करंट जीरो है तब भी यहाँ पर कुछ ईएमएफ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ ईएमएफ था, उस ईएमएफ के कारण इसमें, ये तो पूरा ही ओपन है ये सर्किट, इसमें करंट फ्लो करेगी और बहुत ही कम फील्ड करंट है इसमें फ्लो करेगी, फील्ड करंट बहुत कम है इसलिए फ्लक्स भी कम होगा, फ्लक्स कम है तो कम ईएमएफ पैदा होगा। ये जो नया ईएमएफ है, ये ईएमएफ आर्मेचर ईएमएफ रेजिडुअल ईएमएफ के साथ में, यानी इसके साथ में जुड़ जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर जो नेट ईएमएफ है वो बढ़ जाता है। नेट ईएमएफ बढ़ गया, ईएमएफ बढ़ने से यहाँ की ये करंट बढ़ेगी, यहाँ की ये करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो यहाँ का फ्लक्स भी बढ़ेगा, यानी कि करंट बढ़ी, फ्लक्स बढ़ी, अगेन ईएमएफ बढ़ा, फिर ये ईएमएफ इसी में ऐड हो जाएगा, ईएमएफ बढ़ने से फिर करंट बढ़ेगी, फिर करंट बढ़ेगी, फिर फ्लक्स बढ़ेगा, फिर ईएमएफ बढ़ेगा। तो इस प्रकार ये कंटिन्यूसली ईएमएफ है वो लगातार फील्ड करंट के साथ ही साथ बढ़ता जाता है। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए हमने कहा कि पहले ये इस पॉइंट पर रहेगा, कुछ ईएमएफ होगा और इस ईएमएफ के कारण फिर लगातार एक लीनियर इम्प्रूवमेंट यहाँ देखने को मिलता है कि ईएमएफ लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन कुछ समय बाद, यहाँ तक तो ये लीनियरली बढ़ता है, ये इसका लीनियर पोर्शन है, लेकिन जब सैचुरेशन आ जाता है, यहाँ पर सैचुरेशन है, सैचुरेशन आने के बाद में, उसके बाद क्या होता है कि फील्ड करंट बढ़ती है, उस अनुपात में फ्लक्स नहीं बढ़ पाता, यानी कि फील्ड करंट तो ज़्यादा बढ़ रही है, फ्लक्स कम बढ़ रहा है, जिससे कि यहाँ जो ईएमएफ है वो भी बहुत कम बढ़ेगा। और कुछ समय तक ऐसा चलने के बाद में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये जो ग्राफ है वो लगभग इसके पैरेलल हो जाता है, यानी कि अब फील्ड करंट को आप कितना ही बढ़ाओ लेकिन फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, आपका ईएमएफ नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एक पॉइंट पे जाकर ये मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर लेता है। ठीक, तो ये जो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है इसी को कहते हैं ओसीसी, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। आपको ये भली बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं वो है लोड कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी लोड कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में होती है, तो टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच, जैसा कि इसका नाम है लोड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि अब ये ओपन नहीं रहेगा, अब हम इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसके क्लोज होते ही
ये यहाँ पर क्लोज हो गया। अब हमारा जनरेटर लोड के साथ में कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। कनेक्ट होने के कारण अब इसमें से जो करंट फ्लो करेगी, यहाँ पर भी अब करंट फ्लो करेगी, इसलिए अब जो ये करंट है लोड करंट जीरो नहीं रहेगी, ये भी हम रखेंगे कांस्टेंट। स्पीड हमने प्राइम मूवर की मदद से कांस्टेंट रख रखी है। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए ये हमारा ओसीसी था। अब हमें जो रिलेशन निकालना है, यहाँ पर आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज वीटी और यहाँ पर रहेगा फील्ड करंट। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन देखना है कि इसको वेरी करने पर इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ देखते हैं, इसके लिए हमें इक्वेशन यहाँ पर देखेंगे तो हमें इस सर्किट में केवीएल लगाने पर हमें एक इक्वेशन मिलेगी कि टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू जनरेटेड ईएमएफ माइनस IARA। ये क्या है? आर्मेचर का रेजिस्टेंस और उसके कारण होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। अब देखिए, चूँकि ये जो लोड करंट कांस्टेंट है, लोड करंट कांस्टेंट होने के कारण हमारा जो ये वोल्टेज ड्रॉप है, ये वोल्टेज ड्रॉप भी हमारा कांस्टेंट होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हाँ, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप, अगर हम जो ई ए और आई एफ के बाद अंदर तो हमारे पास में रिलेशन है, अगर इसके अंदर से हम ये वोल्टेज ड्रॉप है ये कम कर दें, वोल्टेज ड्रॉप को हम अगर निकाल दें, तो हमारे पास वी टी के पास वी टी का रिलेशन मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम फील्ड करंट को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आप फील्ड करंट को बढ़ाओगे, हमने लोड करंट को कांस्टेंट रख रखा है, तो ये फील्ड करंट को बढ़ाने पर आर्मेचर करंट भी बढ़ेगी और इस प्रकार से ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये बढ़ेगा, लेकिन लगभग कांस्टेंट ही रहता है, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। तो अगर ई ए में से इसको हम घटा दें तो हमें वी टी मिल जाएगा। तो ये हम यही करते हैं और ये हमारा, हमने माना कि इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये ड्रॉप है किसके कारण? आई ए आर ए के कारण इतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। और ये जो हमें कैरेक्टरिस्टिक मिली है इसे कहेंगे हम लोड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे हम बहुत ही आराम से समझेंगे। तो कंक्लूड करेंगे, हमने यहाँ पर देखा कि डीसी जनरेटर का सर्किट देखा और सबसे पहले पहली कैरेक्टरिस्टिक देखी जिसे ओसीसी कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व कहते हैं, और भी कई नाम है उसके, और हमने आर्मेचर करंट और फील्ड सॉरी आर्मेचर ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में रिलेशन निकाला और हमारा ये कर्व हमें मिला। हमने देखा कि पहले इनिशियली कुछ ईएमएफ होता है, इसके वजह से थोड़ा करंट फ्लो करता है, फिर लगातार करंट फ्लक्स और ईएमएफ बढ़ते जाते हैं, सैचुरेशन के बाद में लगभग कांस्टेंट हो जाता है। और इसके अंदर से जब हमने ये वोल्टेज ड्रॉप घटाया तो हमें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक लोड कैरेक्टरिस्टिक मिल जाती है। धन्यवाद।